नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है वेस्ट फेसिंग प्लॉट, वेस्ट फेसिंग बिल्डिंग। आपकी अपनी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है और आप उस बिल्डिंग को तोड़ के नीचे पार्किंग और ऊपर 4 फ्लोर बनाने जा रहे हैं, तो ऐसे में वास्तु के अनुसार नीचे का जो पार्किंग एरिया है उसका सेटअप कैसे होना चाहिए। मैं हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने जो अपनी स्टिल्ट पार्किंग बनाते समय ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपकी जो पार्किंग एरिया है वो आपका रोड के लेवल से हमेशा ही ऊंची होनी चाहिए। आपको अपना मेन गेट कहाँ लगाना है? मेन गेट आपको नॉर्थ वेस्ट के भाग में लगाना है। आप अपने यहाँ नीचे स्टिल्ट पार्किंग बनाने जा रहे हैं तो स्टिल्ट पार्किंग में हमेशा ही 2 गेट लगाए जाते हैं। दूसरा गेट आपने जो लगाना है वो वेस्ट सेंटर में लगाना है। ध्यान रखना है, जो आपका साउथ वेस्ट का भाग है आपने यहाँ पर भूल कर भी कोई गेट नहीं लगाना है, ना तो छोटा गेट लगाना है और ना ही बड़ा गेट लगाना है। यहाँ पर ये दीवार आपकी कंप्लीट सॉलिड होनी चाहिए। इसी के साथ जो गेट आपके यहाँ पर बनेंगे वो गेट आपकी दीवार के लेवल के बराबर रहेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इलेक्ट्रिक मीटर आपने कहाँ लगाना है। वास्तु के अनुसार इलेक्ट्रिक मीटर आपका सबसे बढ़िया साउथ ईस्ट के भाग में रहता है। अगर आप साउथ ईस्ट के भाग में इलेक्ट्रिक मीटर नहीं लगा सकते तो आप साउथ की दीवार पर साउथ वेस्ट के भाग की ओर यहाँ पर भी आप अपना इलेक्ट्रिक मीटर लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा स्टेयर्स और लिफ्ट आपने कहाँ बनानी है। स्टेयर्स और लिफ्ट आपने साउथ के भाग में, यानी दक्षिण दिशा में आपने स्टेयर्स और लिफ्ट बनानी है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है जब आप स्टेयर्स बनाएं तो स्टेयर्स आपकी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। बिल्डिंग बनाने के लिए बोरिंग भी की जाती है, वो बोरिंग आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर आपने बोरिंग करनी है। हार्वेस्टिंग टैंक बनाना है तो वो भी आपका नॉर्थ ईस्ट के भाग में ही आएगा। ऐसे ही आप फ्लोर बना रहे हैं, 4 मंजिल बिल्डिंग बना रहे हैं, 4 फ्लोर बना रहे हैं, तो उनके लिए 4 वाटर टैंक अलग बनाए जाते हैं। वो वाटर टैंक आपने ज़मीन के अंदर नॉर्थ की दीवार के साथ लगते हुए यहाँ पर आपने वाटर टैंक बनाने हैं। वाटर टैंक बनाते समय ध्यान रखना है जो टैंक के ढक्कन है इस तरीके से लगे कि गाड़ी का पहिया उनके ऊपर ना आए। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब पानी के टैंक आप नॉर्थ के भाग में बनाएंगे तो पानी के टैंक फर्श के लेवल से ऊंचे नहीं होने चाहिए। आपका प्लॉट वेस्ट फेसिंग है, इसमें आपने करना क्या है, जो आपकी बैक साइड की सर्विस लेन है यहाँ पर भी आपको गेट लगाना है। यहाँ पर आपने जो गेट लगाने हैं, एक गेट नॉर्थ ईस्ट में लगाना है और एक गेट ईस्ट सेंटर में लगाना है। ध्यान रखना है जब आप ये गेट ईस्ट के भाग में लगाएं तो गेट का जो साइज़ है, जो वेस्ट में यानी पश्चिम दिशा में मेन गेट लगे हुए हैं उनकी गेट की चौड़ाई से हमेशा ही प्लस होने चाहिए। और इसी के साथ जो गेट ईस्ट में लगेंगे वो गेट जाली वाले होने चाहिए, वजन में हल्के होने चाहिए। इन बातों का आपने ध्यान जरूर रखना है। हमेशा ही बैक साइड में दीवार करके एक छोटा गेट लगा दिया जाता है। आपका प्लॉट, आपकी बिल्डिंग वेस्ट फेसिंग है तो ऐसे में आपके यहाँ जो ईस्ट में सर्विस लाइन है वहाँ पर आपने बड़े गेट जरूर लगाने हैं, क्योंकि आपका ईस्ट का भाग हल्का हो जाएगा और वेस्ट का भाग आपका भारी हो जाएगा, इसलिए आपको ईस्ट के भाग में बड़े गेट लगाने हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा फर्श की ढलान आपने कैसे करनी है। फर्श की ढलान आपने साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, साउथ से भी नॉर्थ ईस्ट की ओर और वेस्ट से भी नॉर्थ ईस्ट की ओर फर्श की ढलान जानी चाहिए। आप अपने यहाँ फर्श की ढलान सही कर लेते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आप बिल्डिंग बनाते समय आपके पास जो पैसा है वो आपका अपना है, या आपने बैंक से लोन लिया है, या फैमिली के किसी मेंबर से हाथ उधारा लिया है, वो पैसा आपका जल्दी करके उतर जाएगा यदि आप इस प्रकार से अपनी बिल्डिंग को बना लेते हैं, फर्श की ढलान सही कर लेते हैं। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो आपका बैक साइड का एरिया है, जो आपकी सर्विस लाइन है, वो हमेशा ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और
ऊबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। आपकी बैक साइड की सर्विस लेन हमेशा ही स्मूथ होनी चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ बहुत सारी जगह देखने में आता है कि प्लॉट का साइज़ बड़ा है, उसमें आधे फर्श की ढलान फ्रंट की ओर कर देते हैं और आधे फर्श की ढलान बैक साइड की ओर कर देते हैं। ऐसी जगह रहने वाला परिवार परेशानियों में उलझा ही रहता है। आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार और मेरे अपने अनुभव के अनुसार आप अपने आधे फर्श की, जो आपने वेस्ट में पश्चिम दिशा की ओर फर्श की ढलान की हुई है, वो ढलान आप वेस्ट से ईस्ट की ओर लेकर जाएंगे, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी जो परेशानी जीवन में चल रही है, जो बार बार परेशानी आती है, उससे आपको राहत मिल जाएगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, अपने सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।